अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आज फिर हम हाज़िर हैं मेरा हिसाब चौथी जमात के लिए लेकर। सबक शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बताना ज़रूरी हैं। वो ये कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक डाला है, आप उसे ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा तो। साथ ही साथ मैंने क्लास फोर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये थी इब्तदाई बात बच्चों। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा आप लोग वीडियोस की चेक किया करें, वहाँ पे बहुत तरह की मालूमात होती हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक पुरानी गुजारिश के वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबक की जानिब बढ़ते हैं। आज हम लोग सफ़ा नंबर 186 का मुताला करेंगे। सफ़ा नंबर 186, आपस में ग्रुप बनाकर खेलें। चलिए देखते हैं। पीयूष और पलाश का मकान मालदा के कांटामनी गांव में है। वो लोग रोज़ाना शाम के वक्त गांव के बड़े मैदान में खेलते हैं। आज इन लोगों ने तय किया कि बराबर तादाद में ग्रुप बनाकर खेलेंगे। अभी मैदान में सिर्फ पीयूष और पलाश आए हैं, हम लोग सिर्फ दो हैं। बराबर तादाद में किस किस तरह से ग्रुप बनाया जा सकता है देखें। यहाँ पे देखिए दो है, तो या तो दो आदमी का एक ग्रुप बनेगा या नहीं तो फिर एक एक आदमी करके दो ग्रुप बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दो के एडवाइज़र भी एक और दो, हम लोग एक आदमी का या दो आदमी का ग्रुप बना सकते हैं, यानी दो तरह से ग्रुप बनाया जा सकता है ना। चलिए, प्रीतम हम लोगों के साथ खेलने आया। अब हम लोग कुल तीन आदमी हो गए, अब कितना बराबर ग्रुप बनाया जा सकता है देखें। तीन के एडवाइज़र भी तीन और एक, हम लोगों को मालूम है तीन और एक, यानी तीन के दो अदद एडवाइज़र भी हैं, तीन और एक। अब हम दो तरह से ग्रुप बना सकते हैं, एक आदमी का ग्रुप या तीन आदमी का ग्रुप, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरह ग्रुप बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्याली हम लोगों के साथ खेलने आया। अब हम लोग कुल कितने आदमी हो गए, चार आदमी हो गए। अब कितना बराबर ग्रुप बनाया जा सकता है देखें। चार का एडवाइजर भी एक दो दो, ठीक है। तो चार का एडवाइजर भी चार एक और दो, यानी चार के एडवाइजर भी तीन अदद हैं। हम लोग एक आदमी, दो आदमी या दो दो चार आदमी का ग्रुप बना सकते हैं। कितना ग्रुप बना सकते हैं, तीन ग्रुप टोटल। चार आदमी अगर रहेगा तो तीन ग्रुप बनेगा, ठीक है। एक आदमी का ग्रुप बनेगा, दो आदमी का बनेगा, यानी तो फिर चार आदमी का बनेगा। एक आदमी का चार ग्रुप बनेगा, दो आदमी का दो ग्रुप बनेगा, चार आदमी का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हम लोग तीन तरह से बराबर तादाद में दोस्तों का ग्रुप बना सकते हैं। एक और दोस्त के आ जाने के बाद हम लोग, एक मिनट, इंग्लिश में लिखने का आदत, हम लोग पांच की तादाद में हो गए। अब कितना बराबर तादाद में ग्रुप बनाया जा सकता है देखें। पांच के एडवाइजर भी पांच और एक,
तो या तो एक आदमी का ग्रुप 5 ठो बनेगा, या नहीं तो 5 आदमी का ग्रुप बनेगा एक, है ना। चलिए, बहुत इजी है मैथ, आप लोग तो सिर्फ डरते हैं मैथ से। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बराबर तादाद में दो ग्रुप बना सकेंगे, एक अदद ग्रुप या 5 अदद ग्रुप, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, लेकिन हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, कभी दो तरह से बराबर ग्रुप और कभी दो से ज़्यादा तरह से बराबर ग्रुप बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक नोट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। कुछ आदाद ऐसे हैं जिनका एडवाइजर भी सिर्फ एक और खुद वो अदद होता है, यानी कुछ आदाद ऐसे हैं जिनका एडवाइजर भी सिर्फ दो अदद होता है। ऐसे अदद को हम अदद उला कहते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सवाल एग्जाम में आप लोगों का आ सकता है, अदद उला किसे कहते हैं, तो ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आदाद जिनका एडवाइजर भी सिर्फ दो अदद होता है, ऐसे अदद को हम अदद उला कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि अगर दो से ज़्यादा एडवाइजर भी हुआ तो उसको क्या कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे सवाल किया जा रहा है, जिसका दो से ज़्यादा एडवाइजर भी होता है उसको क्या कहा जाता है। चलिए उसको क्या कहा जाता है, हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे, ठीक है। जिन आदाद के एडवाइजर भी एक और खुद इस अदद के अलावा दूसरा अदद भी एडवाइजर भी हो, उसे हम मुरक्कब अदद मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। अदद उला मतलब एक होगा और खुद वो नंबर होगा, जैसे 3, जैसे 2, जैसे 5। लेकिन अदद मुरक्कब ऐसा अदद जिसका एक भी हो और वो खुद भी हो, जैसे 4, और उसके अलावा भी कोई अदद हो जैसे 2, ठीक है। तो इसको हम लोग अदद मुरक्कब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अदद मुरक्कब। या आम जबान में अगर समझिए तो ऐसे अदद जिनके एडवाइजर भी दो से ज़्यादा हों, दो अदद से ज़्यादा हों, उनको अदद मुरक्कब बोलेंगे। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक का एडवाइजर भी एक और एक के एडवाइजर भी की तादाद एक अदद होता है। एक वाहिद ऐसा अदद है जो ना अदद उला है ना अदद मुरक्कब है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में सवाल आप लोगों को इस तरह दे सकता है, एक अदद उला ऑब्लिग अदद मुरक्कब है। अब आप लोग साइन लगाइए, या यहाँ पे एक और ऑप्शन रहेगा, एक मिनट। एक मिनट रुक जाइए। हाँ इस तरह का आपका एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, एक अदद उला अदद मुरक्कब दोनों में से कोई नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे टिक करना होगा, दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अदद उला ऐसा अदद जिसका एडवाइजर भी दो अदद हो,
अदद मुरक्कब ऐसा इजाई वर्बी दो अदद से ज़्यादा हो उसको अदद मुरक्कब बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब समझ में आया दो, एक मिनट हो गया, ये दो तीन और पांच अददे उला हैं। वजह ये है कि दो के तीन यहाँ पे दो होगा, ठीक है, दो तीन और पांच के दो एडवाइजर भी हैं, ठीक है, लेकिन चार अदद मुरक्कब है। वजह यह है कि चार का दो से ज़्यादा इजवाए ज़रबी होता है। हम लोग पीछे देखा चार का कितना इजवाए ज़रबी होता है, देखिए चार का इजवाए ज़रबी चार, एक और दो, यानी तीन अदद, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, छः सात आठ अदद उला हैं या अदद मुरक्कब, सोचें। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है खाना, हम लोग देखते हैं छः का क्या होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे छः, फिर छः को तोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, तो छः के इजाइजर भी कितने अदद हैं, छः के इजाइजर भी चार अदद हैं, एक दो तीन चार, इसलिए छः एक अदद मुरक्कब है, ठीक है, छः क्या है, अदद मुरक्कब। चलिए अब हम लोग देखते हैं सात का, यहाँ पे देखिए सात क्या है, तो सात जो है ये इसका इजाइजर भी एक और सात ही होता है, तो सात के इजाइजर भी की तादाद दो, एक मिनट, सात के इजाइजर भी की तादाद दो अदद है ना, इसलिए सात एक अदद उला है। अदद उला पे आप लोग साइन का निशान मार लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, अदद उला। चलिए अब हम लोग आठ के इजाइजर भी देखते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आठ का इजाइजर भी हम लोग देखते हैं, आठ का इजाइजर भी क्या होगा, एक आठ, उसके बाद फिर आठ को हम लोग चार दुना आठ, फिर चार को हम लोग दो और दो हिस्सा में तोड़ दिया, इसलिए आठ के इजाइजर भी की तादाद कितनी है, एक दो तीन चार, चार, कितने हैं इजाइजर भी चार। हम लोग आठ का कितना ग्रुप बना सकते हैं, आठ का एक ग्रुप बनेगा, एक से आठ ग्रुप बनेगा, चार से दो ग्रुप बनेगा और दो से चार ग्रुप बनेगा, तो ये चार अदद इजाइजर भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए आठ एक अदद मुरक्कब है। ठीक है, यहाँ पे इजाइजर भी की तादाद छः भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, छः होगा या चार होगा, ये आप लोगों स्कूल में जो सर बताएंगे, हम चार ही लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो जो है शामिल हो जा रहा है,
आप लोग अपने स्कूल में असातिज़ा आपके जो बताएं वो उसी को फाइनल समझिएगा। ये लेकिन कंफर्म है, यहाँ पे शक है कि 4 होगा या 6। 6 अदद में तो टूट रहा नहीं है, टूट रहा है 4 ही अदद में। मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में सर 6 बोले तो आप लोग 6 ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग खुद से हल करें। 9, 10, 11, 12 और 14 में कौन अदद उला है और कौन अदद मुरकब, फैसला करें, ठीक है। 9 को हम तोड़ते हैं, 1 और 9, फिर 9 को तोड़ते हैं, 3 और 3, तो इसका कितना अदद मिल रहा है, 1, 2, 3, तीन अदद मिल रहा है ना। तो ये 9 क्या होगा, अदद मुरक्कब, ठीक है। चलिए 10 का देखते हैं हम लोग, 1 और 10, फिर इसको तोड़ते हैं हम लोग, 2 और 5, ये 2 है, ठीक है। ये भी 2 से ज़्यादा, इसका इक्वलाइज़र भी है ना। तो ये भी अदद मुरक्कब। ग्यारह, ग्यारह को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 11 किसी का भी पहाड़ा में नहीं है, आप 11 को तोड़ सकते हैं। हैं 11 एक ही रहेगा, ठीक है। 5 दुना 10, 2 पंजे 10, ठीक है, 3 तिया 9। चलिए 12 को देखते हैं हम लोग, 1 और 12, फिर 12 को 2 हिस्सा में तोड़ते हैं, तो 6 और 2, फिर इसको तोड़ते हैं, 6 को 3 और 2, तो इसका भी इक्वलाइज़र भी 2 अदद से ज़्यादा है ना। तो ये भी, ये क्या है, एक मिनट, 11 अदद उला है, आप लोग लिख लीजिए अदद उला। 12 क्या है, अदद मुरक्कब, ठीक है। अब 14 को देखते हैं, 1 और 14, फिर 14 को हम लोग तोड़ते हैं, तो 2 और 7, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी अदद मुरक्कब हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे हम इख्तिताम कर रहे हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।